नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में जानेंगे। वह महान व्यक्तित्व के धनी थे। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान हो जाता है तो लोग उसको अपने हृदय में जगह देते हैं और उनके आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, इसलिए इन्हें पाठ्य पुस्तक में स्थान दिया गया। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, जो वर्तमान में चंदौली में है। बच्चों, आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर में गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद और माता जी का नाम राम दुलारी था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो जाता है। वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, उसके बाद उद्योग मंत्री, फिर स्वराष्ट्र मंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद वार्ता के लिए वो रूस गए थे। वहीं उनके हृदय की गति बंद हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। चलिए इनके विषय की कुछ रोचक कहानियाँ जानते हैं। उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए चलिए कुछ रोचक प्रसंग को सुनते हैं। एक बार की बात है कि वो रेल मंत्री थे। बनारस के पास सेवापुरी जाना पड़ा। वो कद के थोड़े छोटे थे और वहाँ प्लेटफार्म पे उतर नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्लेटफार्म थोड़ा नीचे था। किसी तरह वो नीचे उतरे और स्टेशन मास्टर से उन्होंने एक फावड़े की डिमांड की। जब उनको फावड़ा मिला तो बगल की मिट्टी खोदने लगे। जब लोगों ने देखा कि अरे, हमारे यहाँ के रेल मंत्री और फावड़े से मिट्टी खोद रहे हैं, तो लोगों ने उनका अनुसरण किया। अब पूरे दिन में उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म का मानक स्तर तक पहुंचा दिया, मतलब उसके बराबर उन्होंने कर दिया। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार की बात है कि शास्त्री जी इलाहाबाद जा रहे थे किसी काम से। उनकी गाड़ी अभी थोड़ी दूर पर ही थी कि रेल का फाटक बंद हो गया। उनके साथ बैठे कोई व्यक्ति दौड़ते हुए लाइन मैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि फाटक खोल दो, तुमको नहीं पता कि रेल मंत्री बाहर बैठे हुए हैं गाड़ी में। वो कहता है कि रेल मंत्री बैठे हों या प्रधानमंत्री बैठे हों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब यहाँ से गाड़ी गुजर जाएगी उसके बाद ही मैं फाटक खोलूँगा। वो बहुत नाराज हुआ, आके शास्त्री जी से शिकायत की, लेकिन सुबह होते हुए शास्त्री जी ने उसकी तरक्की कर दी, उसका प्रमोशन कर दिया, क्योंकि वो बहुत खुश हुए। तो मैं तीसरा प्रसंग आपको सुनाती हूँ। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उनका ड्राइवर समय पर नहीं आया और वो फाइल हाथ में उठाए 1 किलोमीटर उनका ऑफिस था, पैदल ही चले गए। अब ड्राइवर को जवाब तलब किया गया तो ड्राइवर ने जवाब दिया कि उसका बेटा एकाएक बीमार हो गया, इसलिए वो नहीं आ पाया। अब लोगों ने उसकी शिकायती फाइल शास्त्री जी के पास पहुंचा दी, तो शास्त्री जी ने उस फाइल पे लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण। ऐसे थे। यह प्रसंग उस समय का है जब वो प्रधानमंत्री थे और घर में खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। शास्त्री जी का बेटा बोलता है कि बापू, अब आप हम लोगों को वक्त नहीं दे पाते हो। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया, तुम जानते हो ना, प्रधानमंत्री के पहले सिर्फ तुम लोग ही मेरे परिवार के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पूरा देश मेरा है। अगर इसे ध्यान में रखें तो तुम्हारे साथ जो समय बीतता है वह देश के करोड़ों लोगों के साथ बीतने वाले समय की अनुपात की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। यह प्रसंग उस समय का है जब वो प्रधानमंत्री थे। विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की अगुवाई महिलाएं कर रही थी। वो अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए थी और बच्चे बहुत रो रहे थे, वो प्यास से रो रहे थे। तो शास्त्री जी ने क्या किया कि एक ट्रे लिया, बहुत सारे ग्लास लिया, उसमें पानी डाला और उन औरतों के पास पहुंच गए। एक औरत गोद में बच्चा ली थी, वो बच्चा बहुत रो रहा था, तो शास्त्री जी ने अपना ट्रे उसको पकड़ाया और बच्चे को ले लिया, उसको पानी पिलाया और बोले, तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा बच्चा प्यास से रो रहा है। वो माँ जो है उनके पैर को पकड़ लेती है, धीरे धीरे सारी भीड़ खत्म हो जाती है। जब कुछ लोग बचते हैं तो शास्त्री जी उसको अंदर ले जाते हैं और फिर उनसे वार्तालाप करते हैं। ऐसे प्रतिभा के धनी शास्त्री जी को शत शत नमन।